आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। हे ईश्वर, आपके प्रिय बेटे यीशु का हमारी दुनिया में, हमारे बीच में आना हमारी शांति और आनंद का कारण बना। इन गीतों को सुनने वाले सभी को अपनी अनगिनत आशीष से भर दो। आपका प्यार भरा, मेहर भरा, चमत्कार भरा हाथ हम सब पर निरंतर बना रहे। पटियाला डिनरी विशेस यू मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। क्रिसमस की रात सारी दुनिया के लिए आशीष की रात है। इस रात पिता यीशु के प्यार की नदी बालक यीशु के रूप में आसमान से धरती की ओर बहने लगी। मुक्तिदाता यीशु ने अपने प्यार की रोशनी में सारी दुनिया को एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ प्रज्वलित कर दिया। सौभाग्यशाली हैं हम जिन्हें परमेश्वर ने अपना पुत्र सौंप दिया। उनके जन्म और बलिदान के द्वारा हमें एक नया जीवन प्राप्त हुआ। आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च पटियाला की कोयर रेवरेंड फादर सहाय रॉबिन के नेतृत्व में ईश्वर के इस महान प्यार को आज का दिन शुभ दिन के गीत के द्वारा आपके लिए प्रस्तुत करती है।
साथ इतना प्यार किया कि उसने उनके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। छोटे बालक यीशु के चेहरे में ईश्वरीय शांति, सच्चा आनंद और दिल को छूने वाला प्यार हम पाते हैं। बालक यीशु टूटी हुई धरती को स्वर्ग के साथ जोड़ देता है। नई उमंग और नई आशा का तारा दुख से पीड़ित मनुष्य के जीवन को ज्योतिर्मय बना देता है। यीशु मसीह न केवल ईसाइयों को मगर सारी दुनिया और सारी कौमों को ईश्वरता से भरपूर करने आते हैं। आइए दिल खोलकर उनको नमन और सिजदा करें। बीमारी और तंदुरुस्ती में, जीवन के हर उतार चढ़ाव में
ईश्वर हमारे साथ है, वह हमारे विचलित मन को शांति प्रदान करते हैं, हमारे जीवन के संकटों से लड़ने की और उन्हें सहने की शक्ति प्रदान करते हैं, हमारे नीरस जीवन में आशा की किरण जगाते हैं, ताकि हम मुक्तिदाता यीशु में विश्वास और भरोसा रखकर निश्चिंत अपनी जिंदगी बिता सकें। रेवरेंड फादर जॉन बॉस्को बड़े दिन का संदेश लेकर आपके पास आ रहे हैं। इन दिनों हर तरफ खुशी का माहौल है। क्रिसमस कैरल्स और डेकोरेशंस से हमें पता चलता है कि क्रिसमस पास में है। क्रिसमस के समय में हम मसीह के जन्म के बारे मनन चिंतन करते हैं। यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आए इसलिए कि मनुष्य का मेल ईश्वर के साथ हो सके, जिससे दुनिया में शांति आए। ईश्वर मनुष्य बना ताकि मनुष्य ईश्वर के बेटे बेटियां बन सकें। स्वर्ग में ईश्वर को महिमा और धरती पर नेक लोगों को शांति, यही वह गीत है जो स्वर्गदूतों ने गाया और चरवाहों ने सुना जब यीशु का जन्म इस धरती पर हुआ। बालक यीशु इस दुनिया में शांति और मेल मिलाप का संदेश लेकर आए, और यह आश्चर्यजनक बात है कि मानवता के इस इतिहास में बहुत सारे महापुरुष संस्थान शांति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यही इसी संसार में बहुत ज्यादा अत्याचार, अन्याय और शोषण भी हो रहा है। बेथलहम में हम चरनी के दृश्य में देख सकते हैं कि किस तरह सर्दी की काली रात में बालक यीशु, जो कि मरियम और यूसुफ के साथ था, उन्हें चरवाहे, मंजूसी और स्वर्गदूत दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। यह दृश्य शांति और मेल मिलाप को परिपूर्णता से दर्शित करती है। यथार्थ शांति, यथार्थ मेल मिलाप, मनुष्य और ईश्वर, मनुष्य और मनुष्य एवं मनुष्य और प्रकृति के बीच कोई असंगति नहीं। आज संसार में एवं अपने देश में हम जितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं वह केवल असंगति के कारण है। हाल ही में हमारे देश को कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि केरला में बाढ़, तमिलनाडु और आंध्र में चक्रवात और तूफान। इस तरह की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। क्या इसका कारण मनुष्य और प्रकृति के बीच असंगति नहीं? मनुष्य ने प्रकृति साधनों का उपयोग भविष्य के बारे में सोचे बिना अंधाधुंध किया है। हिंसा और आतंकवाद मनुष्य के बीच असंगति का उदाहरण है। यह केवल आत्मिक संगति का परिणाम है। ऐसी परिस्थितियों में बड़ा दिन एक चुनौती परिपूर्ण होता है। यह हमें याद दिलाता है कि इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। वह हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ है, दुख और सुख में, हार और जीत में, बीमारी और तंदुरुस्ती में, हर समय हर पल हमारे साथ है, और हमें आमंत्रित करता है कि हम वहां शांति का संदेश पहुंचाएं, जहां अशांति, घृणा और असंगति का बोलबाला है। ये बड़े दिन का त्योहार हमें शांति और मेल मिलाप का संदेश देता है कि हम
प्रभु यीशु मसीह को सचमुच अपने जीवन में शामिल कर लें। यह हमें शांति और मेल मिलाप का दूत बनने के लिए प्रेरित करता है। बड़े दिन का त्योहार का संदेश केवल मसीह लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी समुदायों के लिए है। मेरी अभिलाषा ये है शांति और मेल मिलाप आपके घर में रहे, शांति और मेल मिलाप आपके शहर में हो, शांति और मेल मिलाप आप हमारे देश में हो, पूर्ण संसार में फैलते जाएं। विश यू अ मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।